कार्यक्रम की रूपरेखा सम्मानीय हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व 3 बजे के लगभग मंच पर आ जाएंगे और सम्मानीय राजनाथ सिंह जी लगभग 3:30 बजे के लगभग मंच पर आ जाएंगे। 3 बजे से सभा का शुभारंभ हो जाएगा। सम्मानीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी और सम्मानीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सम्मानीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इस प्रकार से पूरी टीम और सम्मानीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी, इस प्रकार से केंद्र का और प्रदेश का पूरा नेतृत्व नीमच की लाल माटी पर आ रहा है जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए। तो इस प्रकार का एक सुंदर स्वरूप इस कार्यक्रम का रहेगा। कितने किलोमीटर की यात्रा रहेगी, कितने विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और कितने जिलों में ये जाएगी? लगभग 9,000 से 10,000 किलोमीटर यात्रा चलेगी। 44 विधानसभाओं को ये कवर करेगी क्योंकि 5 अलग अलग एरियो से पूरे मध्य प्रदेश में ये यात्रा चालू होगी। उसके पीछे का हेतु पार्टी का ये था कि अधिक से अधिक विधानसभाओं का अधिक से अधिक क्षेत्र को छूकर यात्रा निकल सके, इसलिए अलग अलग 5 क्षेत्रों से होगी। और उज्जैन संभाग और इस क्षेत्र की जो यात्रा है उसका शुभारंभ नीमच से होने जा रहा है। ये भी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी सौभाग्य की बात है और हम सभी के लिए एक उत्सव का अवसर है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी के, क्या मध्य प्रदेश में नए योजनाओं का? हमारे मुद्दे रहेंगे कि हमने बीमारू राज्य को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, हमने बहनों के बेटियों के सशक्तिकरण का काम किया है, हमने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने देश को दुनिया का नेतृत्व की भूमिका में खड़ा कर दिया है। आज देश के योग को योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। ऐसे अनेकों चीज़ें, आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, 370 जो भारत माता के कलंक पर माता के माथे पर कलंक था वो आज हटा दिया गया है। ऐसे अनेकों जिन सारी बातों ने देश का गौरव बढ़ाया है, जिन सारी बातों ने एक गरीब को छत दिया है, ऐसी अनेकों योजनाएं केंद्र की और अनेकों योजनाएं प्रदेश की, इन सब बातों को लेकर और हम समाज जनता के बीच में जाएंगे। अब की बार कितनी सीटें भाजपा लाने की उम्मीद रखती है? देखिए, 150 के ऊपर के बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये अभी जो ये रेवड़ी कल्चर की बात कांग्रेस कर रही है, इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की बात भी कह रही, क्या कहते हैं इसको लेकर, आप क्या मानना है आपका? देखिए, कांग्रेस उसको रेवड़ी कल्चर मान सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी उसको गरीब कल्याण की दिशा में उठाए हुए कदम मानती है। और कांग्रेस का ये स्वभाव है कि इस प्रकार की बातों को रेवड़ी कल्चर बोलकर और उस प्रत्येक व्यक्ति के मन को ठेस पहुँचाना, जिन लोगों के लिए योजनाएँ बन रही है और जिन योजनाओं के कारण से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो रेवड़ी कल्चर जैसी बात करना भी मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस है उनको शर्म आना चाहिए कि रेवड़ी कल्चर की इस प्रकार की बातें कर और गरीब जनता के साथ वो कुठाराघात भी कर रहे हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों के लिए योजनाएँ बन रही है और योजनाओं के कारण से जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है।